हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ एक और न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ और वो है वेस्टर्न वाइट ड्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस को अच्छे से प्राइम कर दूंगी। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर का पोर मिनिमाइजर ग्लोरी। और अब मैं फेस पर मेरे फाउंडेशन अप्लाई कर दूंगी। और फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो फुल कवरेज फाउंडेशन, और इसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस पर अप्लाई कर दूंगी। फाउंडेशन हमारा लग चुका है और अब मैं मेरे फेस के जो हाई पॉइंट्स एरिया उनको अच्छे से कंसील कर दूंगी। कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एलेगल प्रो कंसीलर, और इसको छोटी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कंसीलर को कितने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और अब मैं कंसीलर को और फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के लिए कॉम्पैक्ट का यूज़ करूँगी, और कॉम्पैक्ट मैं यहाँ पर शुगर का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं मेरे फेस को ब्रॉन्ज कर दूँगी, और ब्रॉन्जर के लिए मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और इसमें से मैं एकदम लाइट कलर का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ, ये वाला। मेरे फेस की कॉन्टोरिंग हो गई है और अब मैं मेरे फेस पर ब्लश अप्लाई कर लूँगी, और ब्लश मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगेन फॉरएवर 52 का एकदम लाइट शेड का पीच। आप देख सकते हैं फेस कितना फ्लॉलेस लग रहा है, एकदम बेस बहुत ही अच्छा बना है। और अब मैं मेरी आईब्रोज़ को फिल कर दूंगी, जिनको फिल करना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि अगर लाइट आईब्रो हो ना तो उनको फिल करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। थिक आईब्रोज़ हो और उनको अच्छे से फिल नहीं किया तो वो बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखती हैं। तो मैं आईब्रो डिफाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ शुगर का आईब्रो डिफाइनर, और इसका शेड है मेरा जो जेरी ब्राउन 01, और इसको अच्छे से कॉम कर दूंगी। इसके पीछे स्पूली भी दे रखी है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। आई मेकअप मैं बिल्कुल नॉर्मल सा रखूंगी, एकदम लाइट, क्योंकि हम जो वेस्टर्न ड्रेस अगर वेयर करते हैं उसके ऊपर ज़्यादा डार्क, अगर स्मोकी अच्छा लगता है पर बहुत ज़्यादा कलरफुल क्रिएशन नहीं अच्छी लगती है, उसके ऊपर सिंपल सटल सा ही मेकअप अच्छा लगता है। इसलिए तो मैं यहाँ पर इसके लिए पैलेट यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी की, और इसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे ग्लिटरी शेड्स हैं, और इसमें मैं आज ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ ब्राउन। और अब मैं डायरेक्टली मेरे जो क्रीज एरिया है उसके ऊपर सिल्वर शेड अप्लाई करूँगी। सिल्वर वाइट का मिक्स है ये। मैंने थोड़ा सा ग्लिटर भी लगा दिया है, ड्राई ग्लिटर है यानी लिक्विड ग्लिटर नहीं है, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मेकअप यानी वेस्टर्न के लिए तो परफेक्ट जा रहा है। और अब मैं आईलाइनर लगा लूँगी, और आईलाइनर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की। हमारी आईलाइनर लग चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की आईलाइनर लगाई है जो इस लुक के साथ बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और अब मैं मेरे फेस को हाईलाइट कर दूंगी, और हाईलाइटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 की ही पैलेट से, ये वाला। और अब मैं काजल लगा दूंगी, और काजल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर की। और आज मैं मेरी लोअर लिड के नीचे थोड़ा सा रेड कलर लेके स्मॉच करूँगी। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट टाइप का है, क्योंकि मैंने आज तक इतना लाइट शेड कभी यूज़ नहीं किया है मेरी लोअर वाटर लाइन के नीचे।
और अब मैं मेरे लिप्स को अच्छे से शेप कर दूंगी लिप लाइनर की हेल्प से। और मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ शुगर का। और अब मैं इसके अंदर लिपस्टिक फिल कर दूंगी मेकओवर प्रोफेशनल की। ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर और किसी कंटेंट पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने का ज़रूर ट्राई करूँगी। और हाँ, इस लुक पर मैं इंस्टाग्राम पर फ़ोटोज़ पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और मेरे फ़ोटोज़ को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।